राजा का उमड़ा था और जैसे तपस्वी ने कह दिया राजा तुम जीत कर आओगे, प्रसन्न हो गया, नमस्कार करने लगा, कहने लगा तपस्वी भाई जी अब मेरी एक दरख्वास्त है कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगा इसी रास्ते से, आप मुझे यहीं मिलना। अब इसका उत्तर तपस्वी भाई ने कुछ नहीं दिया, वो अपने शांत रहे, राजा आप जाइए। राजा चला गया। इधर तपस्वी भाई अपना अटन और विजन का जो नियम है एक सन्यासी का, वो अपना गांव गांव जाती रही। राजा उधर जीत गया और राजा जीत कर वापिस लौटा तो उसने अपने सैनिकों से भी सबसे कहा ध्यान रखना इधर एक तपस्वी भाई थी जो हमको जाति बार मिले थे उनसे अवश्य दर्शन भेंट करनी है। लेकिन उस रास्ते तो अब वो तपस्वी भाई थी नहीं। राजा वापिस बीदर पहुंच गया। उसके मन को बड़ी ठेस लगी कि जिन तपस्वी भाई जी का मैं धन्यवाद करना चाहता था, जिनके मुख से निकले आशीर्वाद के कारण मैं जीता हूँ, मैं उनको धन्यवाद तक नहीं कर पा रहा। अब तो उसने अपने सैनिकों को अपने पूरे क्षेत्र में भेज दिया कि उन भाई जी को जैसे भी ढूंढो, ढूंढ कर बताओ मेरे को कहाँ है। तो प्रदेश बहुत बड़े नहीं थे, गांव गांव नज़दीक ही होते हैं, तो सैनिकों ने जल्द ही भाई जी को ढूंढ लिया और राजा को जाकर सूचित किया कि भाई जी मिल गई, अमुक गांव में है। राजा आया और कमलाउसा तपस्वी भाई जी को नमस्कार करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगा कि आपके आशीर्वाद से मैं जीत गया, अब मेरे मन की एक अभिलाषा है, वो अभिलाषा पूरी कर दीजिए। क्या है अभिलाषा? अभिलाषा ये कि आज से आप मेरे राजगुरु, राजगुरु की पति पर आज से आप हैं और मैं आपको अपने संग अपनी राजधानी लेके जाना चाहता हूं। कृपया आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें और मेरी राजधानी चलें। तपस्वी ने कहा कि हम नगर में नहीं रहेंगे, आपकी राजधानी में नहीं रहेंगे। ठीक है, आप कहीं और हमारा प्रबंध कर दीजिए किसी गांव में। तो राजा ने कहा ये ठीक है। तो राजधानी के निकट ही जो गांव था वहां पे उन्होंने तपस्वी भाई जी के रहने की व्यवस्था कर दी और एक बंगला बनवा दिया और तपस्वी भाई जी वहां पे रहने लगे। तपस्वी भाई वहां रहने तो लगी लेकिन उसको अपने गुरु का ध्यान हमेशा रहता कि मेरे गुरु मेरा त्याग करके गए हैं, अवश्य ही मेरे में कोई ना कोई कमी है। वो कमी क्या है? क्या उन्होंने मेरे में चर्या में कमी देखी? वो क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन अवश्य कोई ना कोई कमी है, यही सोचती रहती और उसी सोच में उसका हमेशा ध्यान रहता और भूख प्यास कहने को जैसे रही नहीं। अब गुरु जी का देखिए, कमलाकर मुनि जी का। कमलाकर मुनि जी काफी समय बीत चुका था तो सोचने लगे कि ओह ये मैंने क्या किया, अपनी शिष्या जो आयु में भी छोटी थी, बच्ची थी, तरुणी थी, उसकी परीक्षा के कारण मैंने उसको अकेले छोड़ दिया। अब वो कहां होगी, किस अवस्था में होगी, ये मैंने ठीक नहीं किया। अब गुरु जी सोच रहे हैं अपनी जगह पे, मेरे को छोड़ के ऐसे आना नहीं चाहिए था। अब वो वापस आए तो उसको ढूंढते गांव दर गांव भिक्षा मांगते, वो भी एक दिन उसी गांव में आ पहुंचे जिस गांव में राजगुरु बनकर उनकी शिष्या रह रही थी। प्रातःकाल का समय, गुरु जी उसी गांव में और उसी बंगले के आगे आकर भिक्षा
दो बार भिक्षा कहा तो अंदर कमलाऊ सा उनकी शिष्या उसने सुना ये तो मेरे गुरुजी की आवाज लगती है। एकदम बाहर दौड़ती हुई आई, देखा सामने मेरे गुरुजी। अब गुरुजी तो जैसे थे वैसे ही थे, उनकी काया में कोई परिवर्तन नहीं आया था, लेकिन कमलाउसा जिसने गुरु की याद में और अपने दोषों का ध्यान करते हुए कि ना जाने मुझ में क्या दोष थे, जिसको ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, जो कृशकाय हो गई थी, एकदम दुबली पतली हो गई थी कि पहचानी नहीं जाती थी, उसने तो गुरु को पहचान लिया लेकिन गुरु ने उसको नहीं पहचाना कि ये कौन, ये तपस्वी भाई कौन है। तो कमल एकदम बंगले में से निकली और उनके चरणों में आ गिरी, गुरु जी मैं आपकी शिष्या कमलाउसा जिसको आप छोड़ गए थे। गुरु जी ने देखा पहचान नहीं पाए, अरे जब देखा तो कहने लगे ये तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है, गुरु जी आप मेरे को अकेला छोड़कर चले गए, बताइए मेरे में क्या कमी थी, मैंने सेवा में कहीं चूक की थी, मेरे व्यवहार में कहीं खोट था, क्या था। गुरु जी कहने लगे कि मुझसे ही भूल हुई, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि तुम मेरे बिना धर्म को निभा सकती हो कि नहीं निभा सकती, मैं ये जानना चाहता हूं और इसीलिए मैंने तुमको छोड़ा, लेकिन तुम खरी निकली। गुरु जी चलिए मेरे महल, मेरे घर चलिए, और अपने बंगले में गुरु जी का हाथ पकड़ के ले गई, उनकी सेवा की, चरण धोए और भोजन का प्रबंध किया, और फिर राजा को संदेशा भेजा कि राजा मेरे गुरु आ गए हैं। तो राजा ने जैसे ही सुना उसने एक थाल में रतन माणिक मोती डालकर भेंट स्वरूप कि मेरे राजगुरु के गुरु आए हैं, वो तपस्वी राजगुरु थी ना, उसके गुरु आए हैं, परम गुरु, एक थाल सेवकों के हाथ में भेज दिया कि जाओ तपस्वी बाई जी को कहो कि आपके गुरु जी के लिए भेंट है। वो भेंट आ गई, सेवक ले आए, तपस्वी जी को दे दिया कि आपके गुरु जी के लिए राजा ने ये तोहफा भेजा है, ये भेंट भेजी है। कमलाकर मुनि कहने लगे कि ये ऐसे हम स्वीकार नहीं करते, सेवकों के हाथ से भेजा गया तोहफा, सेवकों के हाथ से भेजी गई भेंट, ये हमें स्वीकार नहीं है, राजा को स्वयं आना चाहिए। सेवकों ने वापिस जाकर संदेशा दिया राजा को, राजा जी वो गुरु जी तो आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर रहे, कहते हैं कि राजा को स्वयं आना चाहिए। ये होती है तपस्वियों का, जिन्होंने आचरण किया होता है, एक गौरव होता है, एक मर्यादा होती है, इसमें अहम भाव नहीं है लेकिन एक गौरव है। राजा ने जैसे ही सुना स्वयं आया और अपने हाथों से गुरु जी को भेंट दी कि आप ये भेंट स्वीकार करें। कमलाकर मुनि ने वो भेंट ले ली अर्थात स्वीकार कर ली, पर स्वीकार करके एक तरफ रख दी और अपनी शिष्या की तरफ मुंह करके कहने लगे कमल हम इस धनराशि का क्या करेंगे, ये धनराशि हमारे किस काम की है, एक तपस्वी के लिए, एक भिक्षुक के लिए ये माणिक ये मोती ये रत्नों से भरे हुए थाल ये हमारे किस काम का है, लौटा दो उसको। उनकी शिष्या बहुत व्यवहार कुशल थी, देखो स्वामी जी ने भी कहा है कि जो हमारे शिष्य हैं वो व्यवहार कुशल भी होने चाहिए,
व्यवहार में कुशलता भी चाहिए। कितने अवसरों के ऊपर नागदेव जी के आगे ऐसे प्रसंग आए और नागदेव जी ने महज व्यवहार कुशलता के कारण, व्यवहार कुशलता मतलब समय और परिस्थिति को देखते हुए जो योग्य निर्णय हो वो निर्णय लेना, भावना में ना बहकर समय को देखना, पात्र को देखना, स्थिति को देखना और योग्य निर्णय लेना, ये होती है व्यवहार कुशलता।